हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों के फूल के पकौड़े। सरसों के फूल आसानी से सर्दियों में मिल जाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सरसों के फूल के मज़ेदार पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। सरसों के फूल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों के फूल लिया है। इसके फूल को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। इस तरीके से फूल को तोड़ लेना है और इसके जो सॉफ्ट डंठल है उसको फेंकना नहीं है, इसे सब्जी में हम यूज़ करेंगे। तो इसके सॉफ्ट डंठल की सब्जी कैसे बनती है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे फूल को तोड़ लिया है। फूल के जो डंठल हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो इसे फेंके नहीं, इसको सब्जी वगैरह में यूज़ कर लें। सरसों के फूल को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बारीक कटी हुई ढेर सारी हरी मिर्च, 1 बड़े चम्मच चावल का आटा, लहसुन अदरक को कूट लेना है, हींग, हल्दी, जीरा, काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इसके साथ ही लेना है 1 कटोरी के करीब बेसन। इसको मैं बनाने वाली हूँ सरसों के तेल में। आप अपनी मनपसंद के कोई से भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। सरसों के फूल में डालेंगे सारे मसाले। इसमें बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरीके से चेक कर लेना है। तो ये देखिए, अभी पकौड़े बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा और बेसन पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, डो एकदम रेडी है पकौड़े तलने के लिए। ऐसे चेक कर लेना है। ये देखिए, इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कटोरी में पानी लिया है। पानी में हाथ को इस तरीके से डिप करके आपको जिस शेप में पकौड़े चाहिए आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज के इस तरीके से पकौड़े बना रही हूँ। इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब एक एक करके सारे पकौड़े डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। पकौड़े को डालने के बाद दोनों साइड से पलटते हुए इसे फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप सरसों के फूल के कोफ्ते, सरसों के फूल की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सरसों के फूल के पकौड़े आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। पकौड़े दोनों साइड से पलटते हुए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस तरीके से कुछ देर होल्ड करके पकौड़े निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बाकी बचे पकौड़े को भी हम सेम प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेंगे। ऐसी और भी यूनिक रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो घंटी का आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सारे सरसों के फूल के पकौड़े दोनों साइड से पलटते हुए मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब गैस को ऑफ कर देना है और इसी गर्म तेल में हम हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं, जो कि पकौड़े के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। मिर्ची भी फ्राई हो गई है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। ऐसे निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस तरीके से आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इधर सरसों के फूल के पकौड़े तैयार हैं और इसके साथ मिर्ची कितना बढ़िया देखने में लग रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, सरसों के फूल के पकौड़े मैंने सर्व कर लिया है। आप इस पकौड़े को तीखी हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो पकौड़े का मजा ही दोगुना हो जाता है। तो चलिए मैं आपको पकौड़े तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बना है और ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सरसों के फूल के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म ये पकौड़े खाने। आपको भी खाना है तो आ जाइए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।